अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मुहर्रम के बारे में। आज मुहर्रम की 10 तारीख है, नमाज आशुरा आपको किस तरह से पढ़नी है सब कुछ बताएंगे पूरी डिटेल के साथ में। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि मुहर्रम के दिन आप ढोल तमाशा गाजे बाजे वगैरह तो बिल्कुल न करें, क्योंकि ये यजीदियों का काम है और साथ ही साथ मातम मनाना भी इस्लाम में हराम है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि किसी भी तरह से मुहर्रम के जुलूस में शरीक न हो, खास करके औरतें बेपर्दा होकर। सबसे बेहतर है कि घर रहकर या मस्जिद में जाकर दो रकात नमाज आशुरा की इस तरह से पढ़े जो कि हम आपको बता रहे हैं, और इस नमाज की बरकत से फैज हासिल करें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये दो रकात नमाज नफिल नमाज है और इसका वक्त फजर के बाद से शुरू होता है और 10-10:30 बजे तक इसका वक्त रहता है। बात करें नियत की, तो नियत आपको इस तरह से करनी है। नियत की, मैंने दो रकात नमाज नफिल आशुरा की खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथ कानों को उठाकर नियत बांध ले। उसके बाद में आप सना पढ़े, यानी कि सुभान पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़े और उसके बाद में सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ 10 मरतबा आपको पढ़नी है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएं, सुभान रब्बियल अजीम 3 मरतबा कहें, समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हमद कहकर रुकू से खड़े हो जाएं, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएं, सजदे में सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा कहें, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठे, अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में चले जाए, दूसरे सजदे में सुभान रब्बियल आला फिर से 3 मरतबा कहे। ये एक रकात आपकी मुकम्मल हुई। अल्लाहु अकबर के साथ दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। याद रखे, दूसरी रकात में सना नहीं पड़े। सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़े, सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़े और रुकू और सजदे पहली रकात की तरह मुकम्मल करी, और कायदे में बैठ जाए, अतियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल कर ले। सलाम फेर लेने के बाद 9 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े और 9 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। इस तरह से आपकी आशुरा की नमाज मुकम्मल हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के नमाज पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए।